फाइंड करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। वायु वायु मम्मा कहाँ है? ये कौन है? वायु है। वायु वायु है। और ये कौन है? वायु इधर जाइए। तो ये कौन है? देखिए ना अभी क्या कलाकारी किया है दीवार पे। क्या दिखा दीवार पे? कहाँ बेटा? ओ आप तो परी दीदी के भी उसे भी बड़े निकले। हाँ? हाँ? ये थोड़ा हेल्प करने के लिए किचन में घुसे 5 मिनट तक कर दिया। ये सुनो ना भाई सुनो, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आंटी है ना? आंटी। हाँ ये कौन है? वायु है। अच्छा ये वायु है? अरे ये तो वायु नहीं लग रहा है। वायु नहीं लग रहा ये तो। आया थी चोट लग गया। कोई बात नहीं, वायु स्ट्रांग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं तीज की तैयारियां। तो एक्चुअली मैं और मेरी ये है देवरानी, तो हम दोनों मिलके एक साथ तीज की त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग तीज करने वाले हैं। तो सारी क्लिप जो है आप लोगों से शेयर होंगी। और यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है गुजिया, तो गुजिया बनेगा, उसके बाद से खास्टा होता है वो बनेगा, और एक और चावल का क्या बनता है? मालभोग। हाँ चावल का जो मालभोग बनता है ना वो भी बनेगा। तो सारी तैयारियां यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और तीज की तैयारियों में ना बहुत टाइम लगता है, अगर हम एक हफ्ते पहले से भी कर रहे होते हैं ना तो वो भी टाइम कम पड़ जाता है। इसके साथ साथ ही क्या होता है कि बेलपत्र चाहिए होता है, पूजा की बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है शाम के टाइम के लिए। तो वो सभी तैयारियां हो चुकी है, लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन कल तक ना ये तैयारियां चलती रहेंगी और खत्म नहीं होने वाली है तैयारियां। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये सब काम करना। और कुछ कुछ चीजें हो चुकी हैं, कुछ चीजें बाकी है। बना रहे हैं गुजिया, क्योंकि ये सारी चीजें ना कल भगवान जी को चढ़ेंगी, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीजें एक दिन पहले ही कर ले रहे हैं, क्योंकि वो कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि व्रत भी रहेगा, उसके बाद से पूजा पाठ की सारी तैयारियां करनी होंगी। तो वो सारी चीजों के बीच ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम ये सारी चीजें कर पाएं। तो यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेल रही हूँ और वो कर देंगी, इसको स्टफ़ कर देंगी, तो इस तरह से जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों साथ ही साथ कर रहे हैं और दोनों लोग हम लोग साथ में ही तीज करने वाले हैं, तो एक ही जगह पे करने वाले हैं, क्योंकि वैसे अच्छा भी लगता है एक दो लोग साथ में करते हैं ना, तभी अच्छा लगता है त्यौहार। अकेले अकेले तो पता ही नहीं चलता है कि त्यौहार कैसे आया कैसे गया, या फिर तैयारियाँ भी समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग तैयारियाँ। ना गुजिया हमारी आधा बन चुकी है, लगभग आधा ही बनाना है, उसके बाद से खास्टा बनाना है हमें, तो ये सब बना रहे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसके किसके घर इस तरह की तैयारियां होती हैं, गुजिया बनती है या खास्टा बनता है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा भी होता है ना कि मार्केट से ला के फ्रूट्स और मिठाइयाँ ला के भी पूजा कर ली जाती है। तो ना यहाँ पे ना टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, वैसे भी जितने देर में बनना चाहिए ना उससे ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग काम तो कर ही रहे थे लेकिन बातें उससे ज़्यादा कर रहे थे, तो बात करने में भी हमारा टाइम चला जा रहा था और काम तो कर ही रहे थे, तो कभी कभी ना हम लोग काम छोड़ के खड़े होकर बातें करने लग रहे थे, तो इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम चला गया। और यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टफिंग करने वाला कम पड़ गया था, तो यहाँ पे दोबारा से स्टफिंग करने वाला फिर से उसको तैयार किया जा रहा है, जो सूजी का बनता है ना भरने वाला, तो उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं दोबारा से, तो इसलिए मैं खड़ी हूँ अभी, कुछ काम नहीं है। और ये सब काम हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद से ड्रेसेस जो पहनने वाले हैं हम लोग, वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ का जो सिल के आया है ना वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे, तो ये सारा काम नहीं पड़ जाए ना एक बार, फिर मैं जाके अंदर रूम में ना ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि पता है ना ये सब जो हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर छूना नहीं चाहिए, भगवान का जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि
हमें नमक से ना छू दें या ऐसे ना छू दें, तो इसलिए हम लोग आराम से दोपहर के टाइम ना ये सब बनाना स्टार्ट किए। और ये जो सांचा है ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, सांचा थोड़ा बड़ा है। और देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ही हम लोग दबा देंगे, ये दबाने के बाद अपने आप ही हो जाता है। तो इजी है वैसे भी, लेकिन फिर भी इसको फ्राई करने में और सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि सिमाज पे करना होता है, तो इसलिए हमें ना बहुत टाइम लगा ये सब बनाने में भी। और यहाँ पे बन रही है गुजिया, छोटी छोटी गुजिया नहीं है ये, बड़ी बड़ी गुजिया है, क्योंकि सांचा ही बड़ा है इसलिए बड़ी बड़ी गुजिया है। क्यों ऐसे हंस रही है? पता नहीं, आज ही लेकर आए हैं, मेरा सांचा खराब हो गया था पुराना वाला। एक्चुअली ना छोटा वाला सांचा खराब हो गया था, वही मैं सोच रही हूँ ऊपर ही रखे। आज ही लेके आए हैं भैया कि बड़ा वाला सांचा वो लेके आए, वो अपने हिसाब से लेके आए होंगे ना। वो अपने हिसाब से लेके आएंगे, जैसा उनको समझ में आया हो। आते तो बोलते अपने हिसाब से सांचे लेकर। उसमें ऐसे बनाते थे ना, तो पीछे से ये कट कट जाता था। हाँ, प्लास्टिक वाला हम रखे थे, फेंक दिए। तो इस बार घर पे निकाले थे ट्रंक में। के बाद ना यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तैयारी खास्टा बनाने की, तो इसमें डाल दिया हमने सौंफ। तो सौंफ डालने के बाद ना, ये मैदा है, मैदा में हमने सौंफ डाला है और घी को ना जरा सा हल्का सा गर्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंड है ना, तो घी जो है ना बिल्कुल जमा जमा सा था, तो वैसे तो मॉइन करने में ना प्रॉब्लम होती थोड़ी सी, जैसे इकट्ठा हो जाता है ना, तो वैसे हो जाता है, ऐसे भुरभुरा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए इसको घी को इसमें डाल दिया है। और घी को डालने के बाद मॉइन करना है, अब जितने देर में हो जाए, कम से कम तो 15 मिनट करना ही। और दोस्तों इस टाइम पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ ओरिजिन्स का रोज पीटल पाउडर। और इसके बारे में मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये सबसे नेचुरली है और इसमें नो एडेड केमिकल्स है, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बिल्कुल भी सिंपल है और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और इसको हम हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन केयर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स वाला है। तो मैं इसको जा रही हूँ अपने स्किन पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए हमें इसका पेस्ट बनाना होगा, या तो नॉर्मल वाटर से हम इसे बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रोज वाटर के साथ भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ इसका पेस्ट बना के सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ। और जब मैंने इसका पेस्ट बनाया है तो कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसे कि, और इसकी खुशबू जो है ना बिल्कुल रोज की तरह आ रही है और रेड कलर भी हल्का हल्का सा ही उभर के आया है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रोज से बना हुआ है और बिल्कुल भी नेचुरली है। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो हमारे ऑयल जो होते हैं, एक्सेस ऑयल होते हैं हमारे फेस पे, उसको निकालने में हेल्प करता है। सनलाइट से जो हमारी जो त्वचा डैमेज हो जाती है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इसमें बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें से बनी हुई है। इसको अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट में आसानी से ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा सूख भी जाता है अच्छी तरीके से। तो उसके बाद से हमें वॉश कर लेना है या फिर टिश्यू से इसको निकाल लेना है। उसके बाद से जब मैं वॉश करके आई हूँ, मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश किया अपना फेस, उसके बाद देखिए कितनी चमकदार सी त्वचा हो गई है। और जो मैं टच करके अपने स्किन को देखूंगी ना, तो बिल्कुल भी मुलायम मुलायम सी त्वचा दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई इसका बाइंग लिंक चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिंक डाल दिया है, आप वहां से बाई कर सकते हैं, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी बाई कर सकते हैं। एक
बर्तन में करने में ना प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा, तो हम दोनों अलग अलग बर्तन में ना लेके आधा आधा करके कर दे रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को ना कपड़े भी दिखाने हैं, तो इसको करके बस हम लोग चलते हैं। बाद में फ्राई हो गई है और पहले कपड़े देख लेते हैं कि कौन से वाले कल पहनने वाले हैं, और उसके ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो है ना वो कैसा सिलवाया है, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और देखिए यहाँ पे मॉइन भी हो चुका है दोनों का, और उसके बाद से यहाँ पे इसमें कुछ कुछ चीज़ें डालनी थी, जैसे कि ना उसमें ये जो कद्दूकस कर रहे हैं ये डालना है, तो ये कद्दूकस करके ना इसमें डाल देंगे, और उसके बाद से ऊपर से इसमें सौंफ तो पहले ही डाल दिया गया है, और ऊपर से इसमें थोड़ी सी इलायची वो भी डाल देंगे कूट करके, यहाँ पे डाली जा चुकी है, और उसके बाद से इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉइन कर। और कल है 30, तो 30 के लिए ना तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों पे है। और ये क्या पहन रही है ये भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो एक्चुअली देखिए साड़ी तो नहीं दिखा रही हूँ, कल साड़ी देखिएगा आप लोग ठीक है, लेकिन ब्लाउज मैं दिखा दे रही हूँ। ये कौन सा ब्लाउज पहन रही है, तो ये वाला है, ये वाला कौन सा, ये शाम को पहनेंगे, ये सुबह पहनेंगे, मॉर्निंग में। अच्छा तो ये वाला है ना, ये वाली ब्लाउज है, इसकी साड़ी वो पहनेंगी। वाओ इसका जो बाजू पे है ना देखिए कितना बढ़िया से आया है उभर के, और एक्चुअली ये पीछे से गला बहुत अच्छा, इसको क्या मटका गला वाला बोलते हैं, मटका वाला है ना, लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा है। हाँ ये देखिए मटका गला वाला ये डिजाइन है, लेकिन ना डिजाइन बहुत ही ज्यादा हैवी है, बहुत बढ़िया है। देखिए मेरा फेस निकल के आ रहा है, मेरा फेस बिल्कुल भी और ये जो डिजाइन है ना बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मटका गला मेरे पास भी बहुत सारा है, बट इस तरह का मटका गला ना पहली बार मैं देख रही हूँ, जो कि इसमें उभरा भी हुआ है, नीचे की तरफ भी है, सारी चीजें बिल्कुल फिट है। तो ये वाली साड़ी कल ही पहन रही है, और मैंने आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाई थी, लेकिन देखती हूँ कि अगर वो पहन रही हूँ या फिर दूसरी कोई साड़ी पहन रही हूँ, तो आप लोगों को कल सुबह मैं जरूर शेयर करूंगी उस टाइम पे जब मैं डालूंगी तो। और ये देखिए इनकी स्माइल इतनी बड़ी बड़ी स्माइल करती है, लेकिन छुपा के करती है, देखो इतना आप फंसेंगी तो आपकी साड़ी भी दिखा दूंगी साड़ी अभी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि तीज है कल, और तीज है कल, और आज अगर कोई देख लेगा ना तो साड़ियां पुरानी हो जाती है ना, हम लेडीज में ये प्रॉब्लम्स होती है, मतलब हमेशा से चलती आ रही है, तो वही है। लेकिन मैं तो आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखूंगी वो पहन रही हूँ या दूसरा कुछ पहन रही हूँ, मेरा सस्पेंस है अभी। एक्चुअली ब्लाउज का कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, अभी मिला नहीं है ब्लाउज, अगर मिल जाएगा तो वो पहनूंगी, नहीं मिला तो दूसरा वाला कोई मैं डालूंगी, हैवी पहन हाँ। और एक और जो दूसरा वाला है ना, ये दो साड़ियां पहनेंगी मॉर्निंग में जब पारण करते हैं, पारण के टाइम में, तो पारण के टाइम में ये दूसरा वाला पहनेंगी साड़ी, तो उसका भी ग्रीन कलर का ही है, और ये रहा कुछ इस तरीके से, और इसका पीछे का गला बहुत बढ़िया है, देखिए कुछ इस तरीके से है, और बहुत बढ़िया इसका बनाया हुआ है गला। एक्चुअली ये रहा लटकन। तो ब्लाउज का डिजाइन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लाउज की डिजाइन या ब्लाउज के कलेक्शन दिखाने को, कुर्ती के कलेक्शन भी दिखाने के लिए ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं कोशिश करूंगी ना कि इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में जब भी, क्योंकि अभी ना त्योहारों का इतना मतलब सीजन चल रहा है ना, एक त्योहार जा रहा है दूसरा त्योहार आ जा रहा है, तो इस वजह से ना मैं दूसरी सारी वीडियोस में नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन ना मैं इसके बाद से कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में ना ब्लाउज के मैं डिजाइन लेके आऊँ आपके लिए, और ब्लाउज के जो भी कलेक्शन है ना मेरे पास, तो हमारे पास जो भी ब्लाउज के कलेक्शन है वो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो ये था हमारा तीज स्पेशल पहनने वाला, और उसके बाद से किचन में सारी तैयारियां तो हो ही चुकी है, तो कल का तीज व्लॉग होगा वो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अच्छा ये कौन है, ये इसको इसको कैमरा बोलते हैं ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वीडियो, ये कैमरा संजू भैया के पास नहीं, तो ये भी कैमरा है ना, ये तो मेरा कैमरा है ना, मेरा फ्रेंड है ये कैमरा है, ये वायु है, ये आंटी है, और ये मम्मा है ओके, ये आंटी, ये वायु, ये मम्मा, हाँ ये वायु, मैं करूँ, अच्छा वायु एक बार इधर आइए, तो इधर आइए, तो इधर आइए ना, वायु एक बार आ जाइए, आपको ना इसमें बहुत सारे लोग देखेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, एक बार हाय एवरीवन बोल दीजिए, ओके इधर आइए ना आंटी को, एक बार किसी कर दीजिए, किसी कर दीजिए, किसी आंटी को एक बार, किसी वायु बहुत बहुत गुड धीरे से धीरे से, वायु बहुत गुड बॉय है, वायु का एकदम मन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बाय वायु, वायु मैं जा रही हूँ बाय मैं
जल्दी आ जाइएगा। हाँ कितने बजे आपका पंडित जी? कितने बजे आएंगे? 4 बजे तक। ये मैं हूँ बाबू, और इसमें ना बाय करिए, सबको बाय करिए, बाय बाय बाय, बोलो बाय एवरीवन। बाय बाय, बहुत अच्छा बोलता है। बाय एवरीवन, तो बाय एवरीवन। आंटी अपने घर जा रही हैं ना? अब मैं अपने घर जा रही हूँ बेटा, ठीक है, कल आऊंगी मैं। कल मैं कल ना मम्मा और मैं ना तीज करेंगे। आइए तो हम लोग साथ में तीज करेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं तीज पे। हाँ, साथ में साथ में, चलिए भाई आप इधर आइए, पहले आप इधर आ जाइए, ये यहाँ से देखेगा। क्या बोल रहे हो? बाय करो। बाय बाय।